आज इंडिया इंग्लैंड से भी मैच जीत गया, क्या लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा? इंशाल्लाह नहीं, पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया नहीं जीतेगा? नहीं नहीं, पाकिस्तान जीतेगा अल्लाह के हुक्म। पाकिस्तान तो वो बाहर आने लगा, तीन मैचेस तो हार गया तो कोई बात नहीं है कि जीतना नहीं। क्या आपको इंडिया की टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है? नहीं नहीं, साड़ी मजबूत है, सिर्फ मैंने दुआ की जरूरत है। भाई इंडिया जीता यार, क्या आप मिठाई खाओगे मेरे हाथ से? मिठाई खाओगे? नहीं नहीं, इंडिया जीतने की खुशी पे मिठाई खाओगे? नहीं नहीं, मिठाई अंकल थोड़ी सी खा ले। नहीं नहीं, इंडिया के जीतने की मिठाई नहीं खाएंगे यार, वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। और नहीं नहीं, वो पड़ोसी नहीं है जी, पाकिस्तान के जीतने से मिठाई खाते हैं। भाई पाकिस्तान तो अब घर आ रहा है ना, वो कैसे मिठाई खाओगे? नहीं, वो जीतेगा। थोड़ी सी खा ले। नहीं नहीं, थोड़ी सी मिठाई खा। नहीं नहीं, हम क्यों नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, वो हमारा दुश्मन है, उसके साथ दुश्मनी तो खत्म होगी अब तो? नहीं अभी नहीं खत्म हुई, अभी उसके साथ दुश्मनी खत्म करने का टाइम आ गया। चलो जी, वो करेंगे तो फिर कर लेंगे। फिर मेरी बात सुने, हम मैच क्यों नहीं जीत पाते इंडिया से? ये हमारे जो बंदे हैं ना, सही काम नहीं करते। अब मेरी बात सुने, अगर वो मैच जीत जाते हैं, अगर हमारा पड़ोसी है ना, अगर आप 75 ईयर्स पीछे बैक चले जाएंगे जी, जी, तो क्या होगा? हम एक ही थे, हम अलग ही नहीं हुए थे। जब अभी 75-76 साल हो गए अलग हुए, तो दुश्मनी तो खत्म होनी चाहिए। लेकिन लोग खत्म नहीं ना करते, वो नहीं करते, हम तो करते हैं। चले आप खत्म करें ना, आज साबित कर दें कि आज आपने दुश्मनी खत्म कर दी है। मेरे हाथ से मिठाई खाए? मिठाई नहीं खाएंगे। तो दुश्मनी नहीं खत्म करना? नहीं नहीं, दुश्मनी खत्म करेंगे, लेकिन मिठाई उस दिन खाएंगे जिस दिन मैच हम जीतेंगे, हमें दे दें। आप समझ लें कि हम ही जीते हैं, हम समझ लें कि बॉर्डर है ही नहीं। नहीं नहीं, आज समझ लें 76 साल पीछे हैं हम, समझ रहे? 76 साल हम पीछे हैं, तो मिठाई खाएंगे? अब फिर तो मिठाई खाएंगे, 76 साल पीछे ही हैं, समझ ले, मिठाई खा ले। अभी नहीं खाएंगे, मेरे हाथ से खा ले। नहीं नहीं, ये खानी खा ले। हमने अब अगल बताना अगले बंदों को कि हम नबी को फॉलो करने वाले हैं, हम दिलों में नफरतें नहीं रखते। जी जी जी, अब इस बात पे तो खाना पड़ेगा, इस वजह से खा लेंगे। जी जी जरूर। गाइस ये देखे, खाने लगे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क की जीतने की खुशी पर इंग्लैंड से। ये अंकल जी खाए, आए हाय हाय, क्या बात अंकल, लव यू हो गया, क्या कहेंगे? ठीक हो गया, खुश हो गए? खुश हो। कहता हूँ रोहित शर्मा, आज उसने दिखाया कि यार कैप्टनसी होती क्या है। बिल्कुल सर, ऐसे लग रहा था कि आज जो मैच है वो शायद इंडिया जो है वो 100 पे ढेर हो जाएगी। वर्ल्ड कप इंडिया का है, एक तरफ रोहित शर्मा है, ठीक है, दूसरी तरफ उनके पास अय्यर है, ठीक है, एक तरफ कोहली है, दूसरी तरफ उन्होंने शुभमन गिल है, ठीक है, ऑल न्यू, उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है टीम को, क्योंकि इस टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस जा रही है। पाकिस्तान वैसे आउट होना, पाकिस्तान ने, इंडिया ने आना है, फाइनल जीतना है, सेमीफाइनल सब कुछ, कप ले जाएगा इंडिया का इस दफा, इंशाल्लाह। मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर, इंडिया जीतेगा, अपनी स्ट्रीक बरकरार रखे। रोहित शर्मा आउट भी हो जाए ना अर्ली विकेट्स में, तो उसके बाद तो विकेट ठहरा है, उसने तो ऐसा कूटना है ना इंग्लैंड वालों को कल, खैर नहीं आप देखना यार। वर्ल्ड कप में मैं एक बार दिली ख्वाहिश है कि विराट कोहली की डबल सेंचुरी देखूं। अरे वाह, गुड आइडिया यार, इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, इनको इंग्लैंड ले जाओ, ये हर पिच पे चलते हैं और ये सारी दुनिया को पता, इंडिया जिस तरह चलता है ना, ये भाई पूरी दुनिया में चलता है। ठीक है यार, हमें तो इंडिया ही फेवरेट लग रही है। क्यों? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तेरा बाप ऐसे नहीं चलेगा यार, इंडिया जीतेगी, और किसने जीतना यार? यार मैं आंखें बंद कर कहता हूं इंडिया ने जीतना। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। और इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस जो जा रही है, तो भाई मुझे लगता है वो अपनी स्ट्रीक बरकरार रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पुराना बदला भी लेना है। इंग्लैंड वालों तैयार हो जाओ बेटा, जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ था ना, इस दफा फिर हम मिठाइयाँ बांटेंगे, इस दफा इंडिया जीतेगा और मैं मिठाइयाँ बांटूंगा, मेरे पास सेलिब्रेशन की वीडियो भी सेव है, तब जो हुआ था ना वो इस दफा फिर रिपीट होगा, और मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ इंडिया को। बुमराह इज प्रॉब्ली वन ऑफ अ काइंड, दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते, हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, अब इंजरी के बाद आके अभी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है। तो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशली आफ्टर 10 टिल द 40th ओवर इन ODI can get difficult, that's where the problem is, length consistently. थोड़ा सा action भी वसीम है, मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा change है, very odd action, conventional bowlers का different action, yeah. तो उससे भी उसको naturally help जरूर मिलती होगी नए बॉल के साथ, control रखना बाहर अंदर pace yorker bouncer, it's just, and again look at this yorker at will, he is the best in the world right now, no top question. Of the ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है, नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं, दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले,
तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर, मेंटली एंड फिजिकली. आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना, गेंद, दैट इज यस, देयर यू गो, वेरी वेरी डिफिकल्ट. यू सी, जब मैं इट्स लाइक बुमराह बॉलिंग टू अ लेफ्ट हैंडर अराउंड द विकेट, इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे ला के मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा, जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीटी होना है. एंड जब मैं राइट हैंड को आउटस्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से राउंड दी विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले. बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माय सेल्फ. दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेले. नो रूम फॉर दैट, बट इट्स काइंड ऑफ अ लेंथ वेयर ही बॉल्स विद द न्यू बॉल स्पेशली, इट्स अनसर्टेनिटी फॉर अ बैटर. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है. yeah. कोई मैनू एड असो को ओवर जड़ा नहीं करता, तो हम उधर का टारगेट करेंगे. उसका उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको यू नो प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं. आई नो. एंड देन व्हेन बुमराह स्टार्ट्स गोइंग फ्रॉम वन एंड Wasim, Moeen, how much you know confidence his fellow operator on the other end gets, and look how Mohammad Shami was operating from the other side. कोई एक तरफ सांप एक बंदा जो है वो बीन बजा के सांप की तरह बॉल फेर रहे हैं. Batting में partnership बड़ी important है, इसी तरह bowling में भी partnership बड़ी important है, especially new ball पे तो बहुत ही ज़्यादा होती है. अगर एक end से एक bowler pressure create कर रहा है या wickets ले रहा है, और दूसरे end से player उसको मारना शुरू हो जाए, attack counter attack बेहतर हो जाए, या उनको ऐसी जगह पे बॉलें मिल जाए जहाँ पे वो इजीली कन्वर्ट कर सके उन बॉलों को यू नो बाउंड्रीज के अंदर, तो नेचुरली वो पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो सकती. तो यहाँ पे जिस तरह बुमराह ने आके बॉलिंग की थी, सिराज ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, ऑल्दो कि जो पहली विकेट थी वो 30 रन पे ज़रूर गिरी है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आई थी इंग्लैंड की बैटिंग के अंदर, लेकिन द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वॉज आउटस्टैंडिंग.